और अगली खबर श्रावस्ती से, जहां पर सीएससी इकोना अचानक पहुंच गई जिला अधिकारी। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से घंटों किया निरीक्षण। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के इकोना से है, जहां पर इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने औचक निरीक्षण किया। अचानक जिलाधिकारी नेहा प्रकाश इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। इस दौरान आनन फानन सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई। सीएससी में पहुंचकर उन्होंने जहां मरीजों से बातचीत की, वहीं इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। सबसे पहले वो प्रसव कक्ष में पहुंची, जहां पर उन्होंने काफ़ी देर तक निरीक्षण किया। इसके पश्चात जनरल वार्ड सहित अन्य वार्डों, दवाओं के रखरखाव, इमरजेंसी कक्ष, इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य के विभिन्न कक्षों में पहुंचकर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया तथा आए हुए मरीजों से बातचीत करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश सीएससी अधीक्षक को दिए। इस दौरान सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर अंकित अग्रवाल, डॉक्टर विपिन ओझा, सीएससी के सभी कर्मचारी, स्टाफ आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने जहां बारीकी से सभी वार्डों का निरीक्षण किया, वहीं इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का भी निरीक्षण किया। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहां पर पहुंचकर जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बारीकी से निरीक्षण करते हुए सीएससी अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद के इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां पर अचानक जिलाधिकारी नेहा प्रकाश पहुंची और उन्होंने बारीकी से इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए विभिन्न वार्डों में पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी तथा मरीजों से भी बातचीत की। निरीक्षण किया गया यहाँ पे, जितने ओपीडी हैं सभी डॉक्टरों से मुलाकात की गई, जो मरीज आए हैं यहाँ पर उनसे बात की गई और सभी से ये पूछा गया कि उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, किसी तरीके का उनसे कोई अवैध शुल्क ना लिया जा रहा हो। और सभी मरीजों ने बताया कि सभी स्थिति ठीक है, उनको सभी समय पर दवाई भी मिल जा रही है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं। ओपीडी, जनरल वार्ड तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्य कक्षों में पहुंचकर जहां निरीक्षण किया, वहीं दूसरी मंजिल पर चल रहे ओटी तथा बच्चों के विशेष वार्ड का निरीक्षण किया तथा दवाओं के रखरखाव के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान सीएससी अधीक्षक समेत श्रावस्ती जनपद इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारी स्टाफ जहां मौजूद है, वहीं इकोना के उप जिलाधिकारी रोहित यादव भी मौके पर मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जहां तक लोगों से बातचीत कर जमीनी हकीकत पर की। टाइम
कोविड सेंटर क्या बताया डॉक्टर? जांच कराने आए? कौन से डॉक्टर के पास गए? आप ही के लिए वेट कर रहे हैं। आप देखिए फिर लाइन में कोविड सेंटर डॉक्टर